गरीब मरीजों के लिए मसीहा साबित होने वाली 108 आज खुद बीमार हो चली है। रुड़की, मंगलोर, भगवानपुर में तकरीबन एक दर्जन एम्बुलेंस है, पर सरकार द्वारा पिछले 3 महीनों से ना तो इनके चालकों को सैलरी दी जा रही है और ना ही कोई मेंटेनेंस। हाल ये हो चला है कि अब टायर पंचर के लिए भी संबंधित विभाग के पास पैसे नहीं है। वही टायरों की हालत बदतर हो चुकी है। गाड़ियों में इस्तेमाल की जाने वाली ऑक्सीजन भी अब नहीं रही। खराब है एम्बुलेंस 108 जो है, और क्या क्या दिक्कतें इसमें आ रही है? सर, इसको 4-5 दिन हो गए यहाँ पे और इस पे काफ़ी प्रॉब्लम है। इसका टायर पंचर हो गया, मेंटेनेंस की कोई सुविधा ही नहीं, और काफ़ी ख़राब है। इसके स्टेचर ख़राब है और सबसे मेन है कि इसका टायर पंचर, इसलिए ब्रेक डाउन कर दी थी हमने 4 दिन पहले। अच्छा। उसके बाद हमारी खुशियों की सवारी चली है और उसका भी टायर पंचर हो गया, 2 दिन हो चुके हैं, तो इसलिए हम यहीं हैं, रूम पर ही हैं बैठे हुए। तो आप लोग ठीक नहीं करवा रहे हैं? नहीं, ठीक तो आगे से होगा सर, ऑफिस वाले कोई ठीक नहीं करवा रहे, बता रहे 1-2 दिन रुक जाओ, हो जाएगा, पैसे डाल रहे हैं, पर क्या डाल रहे हैं, किसी के अकाउंट में डाले नहीं है। तनख्वाह कितने दिन से नहीं मिली आपकी? सर, 3 महीने हो चुके हैं, 4th महीना स्टार्ट हो गया है, तो अभी सैलरी मिली नहीं है। घर जाने के भी हमारे पास पैसे नहीं है, कहाँ से जाए, रूम पे बैठे हैं। खाने का भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी प्रॉब्लम कीट कर रही है, और घर भी हमको पैसे नहीं दे पा। फिलहाल इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं? ऑक्सीजन वगैरह है? नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं है, खत्म हो चुका है। 2 बार हमने डाली है ऑक्सीजन, हमारा TADA बिल नहीं आ पाया है, और अब हमने भी डालना बंद कर दिया है, तो इस वजह से ऑक्सीजन भी खत्म हो चुकी है। और मंगलोर की क्या स्थिति है? मंगलोर में भी 108 एम्बुलेंस है? है, मंगलोर भी ब्रेक डाउन है सर, मंगलोर भी ब्रेक डाउन चल रही, भगवानपुर भी, और तीनों यहाँ पे रुड़की है, तो तीनों ब्रेक डाउन है फिलहाल। 108 का इस्तेमाल करने वाले मरीजों को इस कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि अब प्रसव के वक्त गर्भवती महिलाओं को ले जाने में भारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है। ये कब से बंद है और क्या दिक्कतें इसमें है? ये जो रुड़की वाली गाड़ी है, इसको ये 3-4 दिन से खड़ी है, बंद है। और इसमें एक फ्यूल नहीं है, गाड़ी का टायर पंचर है, ऑक्सीजन नहीं है गाड़ी में, और ख़ास बात यह है कि कर्मचारियों की 3 महीने से सैलरी नहीं आई है। जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है कि कर्मचारियों की सैलरी नहीं आई है, और फिर जो जहाँ से हम तेल भराते हैं उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है तेल देने के लिए, क्योंकि उनका भी पैसा रुका हुआ है शायद सरकार की तरफ से। तो क्या आपने ऊपर अपने अधिकारियों को बताया? हमने अधिकारियों को बताया है, और ये आज कल करके इन्होंने पूरे 3 महीने निकाल दिए। इस मामले में जब CMS से जाना चाहा तो उन्होंने कहा कि इस समय निजी एम्बुलेंस का सहारा लेकर मरीज को राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, क्या दिक्कत है? हाँ, ये लेवल ऊपर लेवल से दिक्कत है, हमका शायद पेमेंट नहीं हुआ, इस वजह से वो आजकल बंद है अभी। और मैंने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जो हमारी एम्बुलेंस है उसको हम भेज रहे हैं, या जो सीरियस मरीज हैं उनको हम ला भी रहे हैं, और यहाँ से अगर रेफ़र करना हो रहा है तो हम अपनी एम्बुलेंस, मेरे पास 2 एम्बुलेंस है, तो इन दोनों से हम वैकल्पिक व्यवस्था के तहत भेज रहे हैं। तत्परता के साथ भेजिए, शासन में कुछ प्रस्ताव भेजा जाएगा कि इनका पेमेंट जल्दी से हो जाए? हाँ, इसके लिए शासन में प्रस्ताव।